हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ एमसीक्यूज। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सितंबर एग्जाम का पेपर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो पास में हमारे इंस्टीट्यूट में पूछे हैं। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये जून 2009 के पेपर में पूछा गया था। गाइस, पास पेपर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पास में पूछे गए हैं मोस्ट सर्टेनली हाई चांसेस है कि वो रिपीट होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100% रिपीट होंगे, बट सम ऑफ देम मे बी रिपीटेड। चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और आप देखिए कितना सिंपल एग्जाम आता है, कितना सिंपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आइए, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, नथिंग एल्स। द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर, वो कौन सा डिस्काउंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी एंटर ही नहीं होता? अब इससे पहले मैं आंसर तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं हमारे अकाउंट्स में। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो गुड्स खरीदते और बेचते समय दिया जाता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि हम उसे लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं। क्लियर? और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है जी, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इसलिए दिया जाता है ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा लिया जा सके अपने डेटर से। इज दैट क्लियर? और कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इन शॉर्ट, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ उसका इफेक्ट शो होता है। और वो इफेक्ट क्या होता है गाइस, कि हम उसे लिस्ट प्राइस में से लेस कर देते हैं, दैट्स ऑल। उसके लिए कोई अकाउंट ओपन नहीं होता, और कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है? तो वो हमसे कह रहा है गाइस, द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर, वो कौन सा डिस्काउंट है जो कभी बुक्स में नहीं आता? तो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ट्रेड डिस्काउंट। तो इस फिलिंदा ब्लैंक्स में आप भरेंगे गाइस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए कितना बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर द इंस्टीट्यूट। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो कहता है सर, इफेक्ट ऑफ एन इवेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इंटर्ड एट एज पर डैश कॉन्सेप्ट। यानी वो कहता है जिस साल वो घटना हुई है ना, उसी साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? इफेक्ट ऑफ एन इवेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इंटर्ड एज पर द डैश कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, हाँ जी। तो सर, इसका आंसर होगा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट गाइस? एक्रूवल, ACCRUAL। एक्रूवल ये कहता है कि आप एक आइटम को, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो, उसे उसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो जिस साल वो इनकर्ड हुए हैं। बोलो जी, बात के लिए? और वो यही तो कह रहा है, इफेक्ट ऑफ एन इवेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच दे आर एंटर्ड। भाई, जिस अकाउंटिंग ईयर में उनका इफेक्ट आया है, जिस अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चा हुआ है, वो उसी साल तो रिकॉर्ड होगा, चाहे आपने एक्चुअल में कैश पे करा हो या एक्चुअल में कैश पे ना करा हो। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब मैं छोटा सा एक बार थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जिस साल के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, उस साल के एक्सपेंसेस और उस साल की इनकम उसी साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, चाहे आपने उसे कैश में पे करा हो या ना पे करो। अगर वो एक्सपेंस है, अगर वो इनकम है, तो चाहे वो आपको कैश में मिली हो या ना मिली हो। क्लियर है? वो उसी साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। अब देखिए कितना आसान है। डेटर इज अ पर्सन हु डैश मनी टू द बिजनेस। हाँ जी, डेटर वो व्यक्ति है जो बिजनेस को मनी क्या करता है, देगा या लेगा बिजनेस से। अरे सर, डेटर वो व्यक्ति है जिसको हमने गुड्स उधार बेची हैं और जिससे पैसा लेना है उसे क्या बोलते हैं, डेटर। और जिससे पैसा लेना होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओज, OWES। ओज मतलब लेना है। तो डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। क्लियर? डेटर वो व्यक्ति है जिससे बिजनेस को पैसा लेना है। क्लियर है? तो बाय डेफिनेशन याद रखना,
डेटर वो व्यक्ति जिसको हमने माल बेचा, गुड्स बेची उधार, और जिससे हमें पैसा लेना है उसे हम डेटर बोलते हैं। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, एवरी डेबिट हैज डैश क्रेडिट। गाइज ये हम पढ़ चुके, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर डेबिट के साथ क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट के साथ डेबिट होता है। दो डेबिट नहीं हो सकते, दो क्रेडिट नहीं हो सकते, क्लियर है? एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, और अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट ही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, क्लियर है? तो एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ठीक है जी? तो हर डेबिट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? क्रेडिट होता है, एज पर द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी, आप ऐसा बोल सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड इफ द रीजन इज नॉट गिवन। अब आपको बताना है कि बताइए सही है या गलत है। चलिए ट्रू फॉल्स बताना है। प्रूडेंस, अंडरलाइन प्रूडेंस, इज अ कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज रियलाइज लॉसेस नॉट प्रॉफिट। पहली बात सर, प्रूडेंस क्या होता है? गाइस इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है जी? कंजर्वेटिज्म, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ये कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, एंटीसिपेटेड जिसकी संभावना है, क्लियर, तो लॉस होने का वेट मत करो, होने से पहले ही उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। बोलो जी बात क्लियर है? लेकिन प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करना जब तक वो एक्चुअल में मिल ना जाए। बोलो, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। तो आप एक टैग लाइन याद रखना, वो ये कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, क्लियर, बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, क्लियर, आज ही लॉस मान लो और अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लो, बट प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करना जब तक वो एक्चुअल में मिल ना जाए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूडेंस इज अ कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज रियलाइज लॉसेस। सर यहीं से गलत हो गया। कहता है प्रूडेंस वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप उन लॉसेस को रिकॉर्ड करो जो एक्चुअल में हो गए। रियलाइज्ड का मतलब एक्चुअल में हो गए। सर यही तो गलत है। प्रूडेंस क्या कहता है? उन लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा, क्लियर है? समझ में आ गई बात? जिसके होने की संभावना है, क्लियर, एंड नॉट प्रॉफिट। बोलो जी बात क्लियर है? और प्रॉफिट को नहीं, क्लियर, तो ये उल्टा बोल रहा है। बोलो बात क्लियर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आप बोलोगे प्रूडेंस इज द कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड नॉट द प्रॉफिट। खत्म बात। सो दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो आपको इसको याद रखनी है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने रीजन बता दिया कि प्रूडेंस वो कॉन्सेप्ट है जो एंटीसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट्स को नहीं, ठीक है? आइए, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अनअसर्टेन लायबिलिटी बट इज अमाउंट एंड ड्यू डेट आर डिटरमिंड। चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सर जो वर्ड है कॉन्टिंजेंट, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, नॉट श्योर, क्लियर। अब हमने इसके साथ वर्ड क्या जोड़ दिया? लाइबिलिटी। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, भाई हो सकता हमें पे करना पड़े या हो सकता हमें पे ना करना पड़े। एक ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पता ही नहीं कि क्या वो पे होगी भी या नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो जब हमें पता ही नहीं कि वो पे होगी नहीं होगी, तो सर उसकी ड्यू डेट और उसका अमाउंट कैसे पता हो सकता है हमें? भाई कुछ अनसर्टेन है, हमें क्या पता क्या होने वाला है, We don't know, clear? तो इसीलिए again the statement is what? False. Clear? ये statement भी क्या है? False है, क्योंकि contingent का मतलब uncertain, ऐसी liabilities जो हमें पता ही नहीं कि pay करनी है कि नहीं pay करनी। बोलो जी बात क्लियर है? तो जब हमें उस liability के बारे में नहीं पता, तो उसकी due date कैसे पता होगी? Due date मतलब वो date जब हमें actual में pay करना है, तो हम कह रहे हैं तो uncertain है ना, तो हमें क्या पता क्या due date होगी और amount क्या होगा? We don't know. तो ऐसी liabilities, क्लियर है, जिसके बारे में वी आर नॉट श्योर, उसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। दूसरी पॉइंट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट के बाहर शो होती है, आउटसाइड द बैलेंस शीट एज ए फुटनोट। बोलो जी बात क्लियर? तीसरी बात, सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? क्लियर है, मैं एग्जांपल लेता हूं, क्लेम।
अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज एज डेट. क्या मतलब है भाई, किसी ने हमारी फर्म पर केस कर दिया कि सर इनके वजह से हमें नुकसान हुआ है, 2,00,000 रुपए दिलवाओ. बोलो जी बात क्लियर है. हमने कहा अरे भैया कैसे हो गया, तुम्हारी गलती से नुकसान हुआ, हम थोड़ी जिम्मेदार है. तो बात कोर्ट में पहुंच गई. अब बताओ कोर्ट में जाती आप सर्टेन हो आप जीतोगे? नहीं सर, हमें क्या पता. क्या आप सर्टेन हो क्या आप हारोगे? नहीं पता. तो अगर जीत गए तो पैसे नहीं देने, और हार गए तो क्लेम देना पड़ेगा. तो ये अनसर्टेन है, ये कॉन्टिंजेंट है. और ये भी नहीं पता सर केस कब तक चलेगा, हमें क्या पता. कोर्ट ये थोड़ी बोलता है कि भाई 2 महीने बाद डिसीजन क्लियर. नहीं सर, ऐसा नहीं होता. कब तक चलेगा, कितना टाइम होगा, नोबडी नोस. तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. ठीक है जी, हमने बिल बैंक से क्या करा, डिस्काउंट कर लिया. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने देखा होगा, क्लियर है. अब ड्यू डेट पर ड्रॉई पेमेंट करेगा नहीं करेगा, दैट इज नॉट श्योर. अगर उसने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की तो हमें पे करना पड़ेगा. तो ये कौन सी लायबिलिटी हो गई, कॉन्टिंजेंट. अब क्योंकि ये श्योर नहीं है इसलिए हम इसे कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट एज ए फुटनोट. तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट के बाहर शो होती है, और वो भी कैसे, फुटनोट में. ठीक है, तो गाइज बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन के ऊपर. देखिए क्या लिखता है. कहता है सर गिव वन वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग. इट वाज बहुत सिंपल, एक वर्ड में बताओ क्या है. मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो आंसर होगा इसका प्रूडेंस. ठीक है जी सर, प्रूडेंस जैसे मैंने अभी बताया, ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस को आज ही लॉस मान लो. सारे प्रोविजन इसी की वजह से बनते हैं. आपने सुना होगा स्टॉक को हम वैल्यूट करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. ये भी प्रूडेंस की वजह से ही होता है. तो जितने भी प्रोविजन हैं वो सारे प्रूडेंस की वजह से होते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लियर है. और डिस्काउंट और सॉरी स्टॉक को वैल्यू करना किस पर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर क्लोजिंग स्टॉक, वो भी इसी की वजह से होता है. और ये तीसरा स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि जो प्रूडेंस है ना वो हमारी एसेट्स को अंडर स्टेट करता है. यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल से एसेट्स की वैल्यूज क्या होती है, कम होती है. ये तीन पॉइंट अब याद रखना, क्लियर. तो वो लिख रहा है सर मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो बताइए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, प्रूडेंस या फिर आप इसे कंजर्वेटिज्म में लिख सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर, अंडरलाइन करना है स्मॉल, एज एन एक्सपेंस एंड नॉट एन एसेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक है जी, देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मटीरियलिटी. क्या है सर, मटीरियलिटी. मटीरियलिटी ये कहता है कि भाई आप सारी आइटम सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को मत दो, उन्हें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दो जो उनके काम की है, जो उनके लिए जरूरी है. बोलो बात क्लियर है. और वो इंफॉर्मेशन जरूर दो जिसको जानने के बाद उसका डिसीजन क्या हो जाए, चेंज हो जाए. बोलो जी बात क्लियर है. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मटीरियलिटी. अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट कहता है सर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत दो जो उसके डिसीजन को अफेक्ट ना करे. क्योंकि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी ए टू जेड तो सर वो यूजलेस हो जाएगी. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि वो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा अपने लिए. क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक, क्लियर है. तो हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है जो जरूरी है और जो इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी. अब आपने एक कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का, भाई 100 रुपए तो बड़ा माइन्यूट सा अमाउंट है, क्लियर है. अब आप उसको एक्सपेंस दिखा रहे हो, एसेट नहीं दिखा रहे, ये बात उसे बताओगे, भाई जो इन्वेस्टर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो 150 के बारे में क्या सोचेगा, क्लियर है. तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए क्या है, अननेसेसरी. तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, क्लियर. और ये अपोजिट होता है किसका, फुल डिस्क्लोजर का. ये भी पूछा जाता है फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है सारी इंफॉर्मेशन दे दो यूजर्स को सारी, क्लियर है, कुछ भी मत छोड़ना. और मटीरियलिटी कहता है कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दो जो काम की है, क्लियर. चलिए तो अकाउंटिंग ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर इज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मटीरियलिटी. होप यू अंडरस्टैंड. आपको प्रिंसिपल भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको रिकैपिचुलेट हो जाए, आपको याद आ जाए. आइए अपेंडिंग नोट्स. अपेंडिंग का मतलब होता है अटैचिंग, चिपकाना, जोड़ना. अटैचिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल. आपने 12th क्लास में देखा होगा गाइस, जब हमने सेकंड थर्ड बुक पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
क्लियर, उसमें बैलेंस शीट के बाद आप नोट्स लिखते थे, नोट्स टू अकाउंट्स, क्लियर है। तो वो बैलेंस शीट के बाद लिखते थे तो उसे बोलते हैं अपेंडिंग, जोड़ना, अटैच करना, क्लियर सर। वो इसमें क्या होता था भाई, बैलेंस शीट में जो आइटम लिखी है उसकी डिटेल उस नोट्स में लिखी जाती थी, क्लियर है। तो आप एक चीज को फुल डिटेल में बता रहे हो, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर। तो ये एग्जांपल याद रखना, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट में अटैच करना कौन से प्रिंसिपल की वजह से होता है, फुल डिस्क्लोजर। सर ये क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर ये कहता है सर, सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आप यूजर्स को देंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, हाउ एवर इंपॉर्टेंट द इंफॉर्मेशन इज और हाउ एवर लेस इंपॉर्टेंट द इंफॉर्मेशन इज, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर। तो गाइज ये किसकी वजह से होता है, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। चलिए तो ऐसे आंसर में लिखा हुआ भी है, फुल डिस्क्लोजर थर्ड वन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट, द कॉन्वेंशन दैट स्टेट दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर। सर इसका आंसर इसी में जुड़ा है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। सर वो कॉन्वेंशन जो ये कहती है कि एक प्रैक्टिस आपने फॉलो कर ली, सालों तक वही फॉलो होनी चाहिए, बार बार आप अपनी प्रैक्टिस को चेंज मत करो। तो ये किसकी वजह से होता है, कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी, जो ये कहता है जो आप पॉलिसी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आज वही अगले साल करो, वही मतलब उसे चेंज मत करो जब तक बहुत ज्यादा नीड अराइज ना हो जाए। सर एग्जांपल बता दो, जैसे मान लो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो ना तो हर साल स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करो, क्लियर है, ताकि कंपेरेबिलिटी में आसानी हो सके। ऐसा ना हो इस साल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लिया, अगले साल आपने फॉलो कर लिया WDV, फिर अगले साल फॉलो कर लिया सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, फिर अगले साल फॉलो कर लिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ऐसा मत करो, क्लियर। एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो आपने फॉलो किए वो ही सालों तक फॉलो करो जब तक ये एक्सट्रीमली नेसेसरी ना हो जाए कि अब उसे चेंज करना जरूरी है, क्लियर। तो इस कॉन्वेंशन का नाम है कंसिस्टेंसी, क्लियर, स्थिरता। सर इससे फायदा क्या होता है, इससे कंपेयर करने में आसानी होती है, क्लियर है। तो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमें लगातार फॉलो करनी है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर इसी में छुपा होता है, कंसिस्टेंटली जहां दिख जाए समझ जाना कंसिस्टेंसी, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, ये यू नहीं होगा, ये होगा क्लेम्स, CLAIMS, क्लेम्स अगेंस्ट, ट्राई नहीं है, ये द है, ये क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज आर डेट। ये लाइन मैंने अभी अभी बोली थी कि आपके ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया आपकी कंपनी के ऊपर, बट आपने उसे मानने से इनकार कर दिया कि भैया नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है। तो अगर कोई हम पर केस कर दे कि भाई नुकसान हुआ इनसे पैसे दिलवाओ, हम बोले सर ये झूठ बोल रहा है, हमारी वजह से नुकसान नहीं हुआ, तो झगड़ा हो गया। अब इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, कोर्ट। तब कोर्ट में हम केस हो सकता है जीते ही, हो सकता है हारे, क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति कंपनी पर क्लेम करता है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया, जिसको कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी आपको, तो देख लीजिए ए इज द राइट आंसर, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। बोलो बात क्लियर, एक ऐसी लाइबिलिटीज विच इज अनसर्टेन, विच इज नॉट श्योर, हो सकता है हमें पे करना पड़े, हो सकता है हमें ना पे करना पड़े, ठीक है गाइस। आई होप ये कितने आसान एमसीक्यूज हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कहते हैं अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट ऑल पर्सनल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस इनकम, क्लियर है। देखिए हम ये मानते हैं अकाउंट्स में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। बोलो जी बात क्लियर है। और हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के नहीं, क्लियर है। तो हम बिजनेस के खर्चों को अलग रखते हैं, बिजनेसमैन के खर्चे को अलग रखते हैं, जिसको हम पर्सनल एक्सपेंस बोलते हैं, और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे ड्राइंग्स के नाम से दिखाते हैं। बोलो जी बात क्लियर है। और वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो इस बारे में बोलता है उसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी, दो नाम है, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी, जो ये कहता है बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है। और हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट, बिजनेसमैन के लिए नहीं। बोलो जी बात क्लियर है। इसलिए उसके खर्चों को बिजनेस के खर्चों को मिक्स नहीं किया जाता, उसे सेपरेट रखा जाता है।
और जिस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी अजम्पशन या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आप ऑप्शन देखिए, तो अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है इसमें, तो आप इसमें लिख देंगे सेपरेट एंटिटी। बोलो जी, बात क्लियर है? सेपरेट एंटिटी, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट वॉज द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया, आइए अगले पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बस आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखता है सर। वो लिखता है कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी। भाई कैपिटल को ना हम एक इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल, ठीक है जी। तो सर ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है। और ओनर बिजनेस के लिए एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है? सर वो तो इंटरनल बंदा है, घर का बंदा है। बोलो जी, बात क्लियर है? बट क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है, इसलिए ओनर के पैसे को बिजनेस क्या मानता है? लाइबिलिटी। अब क्योंकि ये आउटसाइडर को नहीं देना, घर वाले को ही देना है, इसलिए कैपिटल इज ऑलवेज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो रीजन क्या होगा? बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज वाई। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, इज बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अभी बताया था मैंने, तो सर आंसर इज प्रूडेंस। ठीक है, और इसी को आप बोलते हो कंजर्वेटिज्म। सर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर? द राइट आंसर इज प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते। द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिपीट हुआ है गाइस, ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता। भाई कौन सा है वो? हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट। वॉट? ट्रेड डिस्काउंट नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है भाई, तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कहता है बताइए रीजन के साथ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या? प्रूडेंस इज द कॉन्सेप्ट टू एंटीसिपेट एंड रिकॉग्नाइज लॉसेस। सही है सर, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कि प्रूडेंस वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है हे एंटीसिपेट, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप अभी रिकॉग्नाइज कर लो और अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करना जब तक वो एक्चुअल में हो ना जाए। तो इसको हम बोलते हैं प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ठीक है जी, चलिए, द स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। आइए नेक्स्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट, इंडिकेट द करेक्ट वन। तो इस क्वेश्चन में बस करेक्ट बताना है। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब गाइस ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन और आपने पढ़ ही लिया होगा, 20 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग है। कहता है सर वो कौन सा मेथड है जो कॉस्टिंग में यूज होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए? तो उसका राइट आंसर है जॉब कॉस्टिंग। क्या है जी? जॉब कॉस्टिंग। तो देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। एक मिनट गाइस, हाँ जी, द राइट आंसर इज जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग एस वो कॉन्सेप्ट है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप इसे अब इतना याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। स्टेट वेदर द एक मिनट गाइस,
हाँ जी चलिए यहां पर आते हैं। इसको क्या हो गया भाई, रुक जा। देखिए भाई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बहुत सिंपल है, कहता है सेल इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द गुड्स आर सेंड टू द कस्टमर। रिकॉग्नाइज का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना। कहता है हम सेल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तब लिखते हैं कि जब हम गुड्स कस्टमर को भेजते हैं। क्लियर? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर बिल्कुल गलत है। क्लियर है? सेल तब रिकॉग्नाइज होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। क्या ट्रांसफर हो जाए? ओनरशिप। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कि सेल तब मानी जाती है व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। चाहे गुड्स आप कस्टमर को अभी भेजे, 20 साल बाद भेजे, 2 दिन बाद भेजे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो मतलब सेल हो गई। क्लियर है? और हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी समय क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पर वो कह रहा है सर सेल तब रिकॉग्नाइज होगी जब हम गुड्स भेजेंगे कस्टमर को। सो गाइज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गलत है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सेल तब रिकॉग्नाइज होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा प्रिंसिपल है सर? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप किसी ट्रांजैक्शन को तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे व्हेन इट इन्वॉल्व मनी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शन इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते एज पर द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए अगले सम पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इफ वॉयलेटेड। कहता है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट अगर तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, वॉयलेट मतलब तोड़ना, वुड मेक कंपेरिजन, अंडरलाइन करो कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्ट। ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है अगर हम उसे तोड़ देना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, हर साल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं पिछले साल से। आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, याद आ गया होगा आपको। क्लियर है सर? क्यों करते हैं? जानने के लिए कि लास्ट ईयर की तुलना में इस साल हमारी प्रोग्रेस क्या रही। क्लियर? अब सर दो चीजों को आप तभी तो कंपेयर कर पाओगे जब आपने सेम पॉलिसी सेम प्रैक्टिस फॉलो की हो जो आपने लास्ट ईयर की थी। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? तो सर वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक बार जो पॉलिसी जो प्रैक्टिस फॉलो करी वही सालों तक करनी है? कंसिस्टेंसी। कौन सा? कंसिस्टेंसी। तो यही तो मैं बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी जो है कॉन्वेंशन वो इसीलिए तो होती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सके। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। भाई लास्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड से, अब इस साल आपने लगाया WDV से, अब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, पिछले साल ज्यादा लगा इस साल कम लगा। सर गलत है ये। कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों सेम इक्वल प्लेटफॉर्म पे ना हो। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? आप कंपेयर नहीं कर सकते कि विराट कोहली और अक्षय कुमार में कौन ज्यादा टैलेंटेड है। नहीं सर, ये कंपैरिजन ही गलत है। क्लियर? क्योंकि दोनों की फील्ड अलग है। क्लियर है बात यहां तक? तो अगर आपको कंपेयर ही करना है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में कीजिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो बेस सेम होना चाहिए तभी तक कंपेरिजन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आई होप यहां तक क्लियर है मेरी बात। तो सर कौन सा है प्रिंसिपल है जो ऐसा कहता है? द आंसर इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो अगर आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया तो फिर आप 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर। फिर वही बात, कंजर्वेटिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस जो कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉफिट को नहीं। किसको? लॉसेस को। चलिए पहला, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये तो सही है,
कहता है, अच्छा ये आंसर नहीं है गाइस, कभी आप समझो मैंने आंसर लिख दिया, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डज नॉट रिक्वायर, मतलब कंजर्विज्म कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या नहीं आता, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ये तो आता है, डाउटफुल डेट पर जो लॉस होगा वो फ्यूचर में लॉस होगा ना, आएगा। नंबर टू, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, स्टॉक को वैल्यू करना कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो दोनों में कम है, ध्यान रखना नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, नो कंफ्यूजन सर, ये भी आता है। तीसरा, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सर ये नहीं आता, यही हमारा आंसर है। क्यों सर ये क्यों नहीं आता? अरे भैया क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे हमने माल खरीदा उधार, जिन्हें पैसा देना है, क्लियर है, तो अगर वो हमें डिस्काउंट दे दे तो ये हमारा फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट को नहीं, क्लियर है। चौथा, मेकिंग प्रोविजन फॉर अनफेवरेबल लीगल सूट, यस ये तो आता है। तो जो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता वो है ऑप्शन सी, सी इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता, तो सी इज द राइट आंसर। बोलो जी बात क्लियर है? क्यों नहीं आता सर? रीजन समझ लो, क्योंकि सर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलना यानी कि फायदा, और कंजर्वेटिज्म फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, फायदों को नहीं। आई होप यहां तक क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एज पर डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी, डुअलिटी आ गया, डुअलिटी कहता है हर डेबिट के साथ क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट के साथ डेबिट होता है, क्लियर है। और इसी की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन किसकी वजह से हुई है? कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। अब जरा पढ़िए वो क्या कहता है, कहता है डुअलिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यानी अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, नहीं यार क्या मुसीबत हो रही है, चलिए गाइस एक मिनट पहले इसे सही कर लेते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाँ जी, एज पर डुअलिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब वो ये पूछ रहा है जी बताओ कौन सा सही है अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार, देखते हैं। ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कहता है अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़े एंड इंक्रीज इन एसेट्स और हमारी एसेट भी बढ़े, रिप्रेजेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो ये हमारे सोर्स को बताता है। अब मैं पहले दो चीजें बता दूं, सोर्स का मतलब होता है पैसे का आना, दूसरा होता है एप्लीकेशन जिसका मतलब होता है पैसों का जाना, ठीक है। सर अगर हमारी लायबिलिटी बड़ी है तो मतलब सोर्स से पैसा आया होगा, हमने बैंक से लोन ले लिया, पर अगर एसेट बड़ी है तो ये सोर्स नहीं है। बोलो जी बात क्लियर है यहां तक? आपकी ने एक मशीन दी, दो हो गई, तो आपके पास से पैसा गया, क्लियर है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का बढ़ना सोर्स को कभी नहीं बताता, एक सोर्स है और एक एप्लीकेशन है, क्लियर। दूसरा, ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड, फिर गलत है, लायबिलिटी कम हो रही है, कब कम होगी? जब हमने पे कर दिया होगा, तो अगर हमने लायबिलिटी पे कर दी तो सर ये तो एप्लीकेशन हो गया ना, वो कह रहा है सोर्स है नहीं, इसलिए गलत है ये स्टेटमेंट भी, चलो ठीक है। ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड, बिल्कुल सही, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब पैसा आ रहा है, सोर्स पैसा या गुड्स, क्लियर है। एसिड घट रही है तो भी पैसा आ रहा है, मशीन बेच दी, स्टॉक बेच दिया, तो ये दोनों के दोनों सोर्स हैं। मेरे हिसाब से सी सही है, बट सर डी भी पढ़ेंगे, ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज इन एसिड रिप्रेजेंट यूज ऑफ फंड्स, ठीक है जी ये गलत है, ठीक है भाई। ठीक है, वो कह रहा है जी अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सोर्स है एसिड, सॉरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है सोर्स है, एसिड इंक्रीज हो रही है एप्लीकेशन है, ये यूज ऑफ फंड्स है, बिल्कुल गलत। तो अकॉर्डिंगली सी इज गोइंग टू बी व्हाट द राइट आंसर। आई होप ये एमसीक्यूज आपको रीजन के साथ समझ आ गए होंगे, क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए भाई अब आते हैं हम अगले पेज पर, अगले क्वेश्चन पर, यहां तक हो गया हमारा। चलिए, दिस इज मोर ऑफ ए कॉन्वेंशन देन अ कॉन्सेप्ट,
चलिए, इट प्रपोजेज दैट वाइल अकाउंटिंग फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच हैव मटीरियल इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस शुड हैव स्पेशल कंसिडरेशन फॉर रिपोर्टिंग. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज. इतनी सारी लैंग्वेज लिखे कन्फ्यूज करने के लिए, बस यहां से समझो. विच हैव अ मटीरियल इफेक्ट, कहता है वो कॉन्सेप्ट जो कहे कि हमारा मटीरियल इफेक्ट होता है, बस उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए. तो वो कौन सा है सर? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, तो मटीरियल इफेक्ट रिकॉर्ड करे ये बात कौन कहता है सर? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है. और मटीरियल इफेक्ट का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं. क्लियर? चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसिड एट कॉस्ट इंश्योर एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना. कहता है अगर हम फिक्स एसिड को कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो आंसर इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये कहता है कि एसिड शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट. यानी एसिड हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड होनी चाहिए. क्लियर? और कॉस्ट मतलब वो पैसा जो हमारी जेब से गया उन्हें खरीदने के लिए. ठीक है जी, तो ये बात कौन से कॉन्सेप्ट में कही गई है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में. आइए आगे बढ़ते हैं. चलिए, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है लेबर. विल नॉट बी अपियर इन अ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट. ठीक है जी, बताइए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर को आप कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, जबकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत जरूरी है. भाई बिना मनुष्यों के कैसे काम हो सकता है सर? क्यों नहीं दिखाते हम उन्हें? रीजन ये है कि हम उन्हें पैसों में नहीं नाप सकते. क्लियर? कि भाई ये 200,000 रुपए का अकाउंटेंट है, ये 500,000 रुपए का सेल्स मैनेजर है, ये 50,000 रुपए का फाइनेंस मैनेजर है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ह्यूमंस कैन नॉट बी मेजर इन मनी. बोलो जी, बात क्लियर है? और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि अकाउंट्स में सिर्फ वही आइटम रिकॉर्ड होंगे जिसको पैसों में नाप सकते हैं. बट क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हम पैसों में नहीं नाप सकते, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते. तो कौन से कॉन्सेप्ट हुआ गाइस? मनी मेजरमेंट. देखिए ऑप्शन में जरूर होगा, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट. नेक्स्ट, द डैश कॉन्सेप्ट मीन दैट सिमिलर आइटम in a set of accounts should be given similar treatment and it should be applied from one period to another. कहता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है जो एक जैसी आइटम है ना उन्हें एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए और वो एक साल से दूसरे साल तक. क्लियर है? यानी वो कहता है जो ट्रीटमेंट आपने पिछले साल दिया वही अगले साल भी दो, फिर वही आगे भी दो. इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है गाइस? कंसिस्टेंसी. जो कहता है एक पॉलिसी अगर आपने आज फॉलो करी अगले साल वही फॉलो करो. क्लियर है? तो व्हाट इज द आंसर? कंसिस्टेंसी. सर वही बात घुमा कर दे रहा है, बट आपको एग्जाम में बहुत धीरज के साथ समझना पड़ेगा. तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आइए, कहता है ए लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ ₹10,00,000. ए लिमिटेड ने गुड्स खरीदी 10,00,000 की, उसका 90% बेच दिया. तो 10,00,000 का 90% हुआ गाइस 9,00,000. 9,00,000 बेच दिया तो कितने की बची? 1,00,000, यानी 10% बचा. ठीक है जी, तो एंड गुड्स इज 90,000 एंड रिमेनिंग गुड्स की मार्केट वैल्यू है 90,000. अब जो बची हुई गुड्स है गाइस उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है भाई? 90,000. अंडरलाइन करो मार्केट वैल्यू. तो गाइस जो गुड्स बच गई वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म. ठीक है, तो गाइस 1,00,000 की गुड्स थी वो तो हमारी कॉस्ट हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है. कहता है क्लोजिंग स्टॉक 10% है. सही कह रहा है भाई, 90% बेच दिया तो 10% ही तो बचा. बट ही रिकॉर्डेड 90,000 एंड नॉट 1,00,000. ठीक है जी, विच कॉन्सेप्ट डज ही फॉलो? और उसने उसे 90,000 पे रिकॉर्ड करा, 1,00,000 पे नहीं. तो बताओ उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करा? कौन सा करा? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, जो कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो सर कॉस्ट तो 1,00,000 है, मार्केट प्राइस 90,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट में किस अमाउंट पर आएगा? 90,000 पर. यही उसने करा है, तो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करा है? कंजर्वेटिज्म. बोली ऑप्शन क्या है? डी. तो डी इज द राइट आंसर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. आई होप बिल्कुल समझ में आ गया गाइस आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है सर ओमिशन ऑफ पैसा
एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन. आपने देखा होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जो पैसा है उसे इग्नोर कर देते हैं. जैसे मान लो हमने कोई आइटम खरीदी 2,000 रुपए 20 पैसे की, तो हम उसे 2,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, 20 पैसे पे नहीं. बोलो जी, बात क्लियर है? वो कहता है ये किसकी वजह से होता है, तो आंसर इज मटीरियलिटी. जो कहता है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दो जो काम की, अननेसेसरी मत दो. बोलो बात क्लियर? तो आप यूजर को बताओ नहीं ये एसिड हमने 2000 की नहीं 2020 पैसे की खरीदी है. बोलेगा अरे यार क्या फर्क पड़ रहा है, 20 पैसे की क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है. तो आप हमें बताकर क्यों बेकार में टेंशन क्रिएट कर रहे हो, तो पैसे को हटाओ राउंड ऑफ कर दो. तो जो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लाया गया है वो मटीरियलिटी की वजह से लाया गया है. बोलो जी, बात क्लियर? क्योंकि जो पैसा है वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट होता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते. और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कभी भी देख लो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, कि उसमें कभी भी पैसा नहीं होता, सीधा रुपीज अमाउंट लिखे होते हैं. कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो पैसों को इग्नोर करना, राउंड ऑफ करना और सिर्फ रुपीज वैल्यू दिखाना, ये कौन से प्रिंसिपल की वजह से होता है? मटीरियलिटी. ठीक है गाइस, तो सी इज द राइट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कहता है सर, एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ. हम बिजनेस में एसेट्स को क्यों रखते हैं? ताकि फ्यूचर में उनसे हमें वापिस अर्निंग मिल सके. भाई मैंने आज मशीन खरीद ली, मेरे 2,00,000 रुपए खर्च हो गए, क्लियर है? अब उस 2,00,000 का मुझे धीरे धीरे फायदा मिलता रहेगा फ्यूचर के अंदर. तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स अर्निंग. क्या बोलते हैं? रिवर्स. आज मैंने 2,00,000 खर्च कर दिए, अब मैं उससे धीरे 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 कमाता रहूंगा. तो कहता है रीसेल नहीं, कन्वर्जन इनटू कैश नहीं, अर्निंग रिवर्स इज द राइट आंसर एंड नन ऑफ द अबव. तो सी इज द राइट आंसर. बोलो जी, बात क्लियर? मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया, धीरे धीरे कमाता रहूंगा, इसे बोलते हैं अर्निंग रिवर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. वो कह रहा है सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैंडर्डाइज करना क्या है, जरूरी है. ठीक है, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज. कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट. ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है सब एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, सबको सेम तरीके से ही अकाउंट्स बनाने हैं. चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में अकाउंट्स बनाए, ऐसा नहीं हो सकता दिल्ली में अकाउंट अलग बन रहा है, पंजाब में तरीका अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी, पारदर्शिता, कंसिस्टेंसी होगी, हाँ जी होगी, ताकि कंपैरिजन हो सके, कंपेरेबिलिटी होगी, हाँ जी होगी, ऑल ऑफ द अबव. तो सर इसमें सब कुछ हो रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. क्या हो रहा है आज? तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. हाँ जी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं? सर नहीं करते, मैं बार बार बता रहा हूं. कहां शो करते हैं? आउटसाइड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाहर. तो जब कोई चीज बैलेंस शीट के अंदर ही नहीं आ रही तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही. तो रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज, एडजस्टेड, नन ऑफ द अबव. तो बी इज द राइट आंसर, कि कभी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं होती. हाँ जी, बोलो क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है सारे एमसीक्यूज. और चलिए भाई अगले पर आते हैं. आइए, कहता है सर रोहन परचेज गुड्स फॉर ₹25,00,000 एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स अमाउंटेड ₹18,00,000 एंड मीट एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर 2013 ही काउंटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3,50,000 विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वॉज फॉलोड. देखिए भाई, अब वो हमसे ये नहीं बोला कि प्रॉफिट कैसे आया ये निकालो, ये सब कुछ नहीं करना. वो कह रहे जी रोहन ने कुछ गुड्स खरीदी, फिर उसे बेच दिया, फिर कुछ खर्चे करे और फिर उसने प्रॉफिट निकाल के बता दिया. पता उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करा? याद रखना सर, प्रॉफिट तब आता है जब आप सेल में से खर्चे माइनस करते हो, क्लियर? और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जिस साल की सेल लेते हो उसी साल के खर्चे भी लेते हो. बोलो जी, बात क्लियर है? तो दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ वॉच मैचिंग कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं होता कि आपने सेल तो इस साल की ले ली, खर्चे 2 साल पहले के ले लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जिस साल की सेल ने उसी साल के खर्चों को,
उससे कंपेयर किया जाता है, तभी पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो सी इज द राइट आंसर। हमें यह नहीं बताना कि उसने प्रॉफिट कैसे निकाला, वो हमारी हेडेक नहीं है। उसने तो हमसे बोला बस बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो आंसर इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। आइए अगले पर आते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अगेन मैचिंग। एक एक्सपेंस को आप उस पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हो, किसकी वजह से? मैचिंग की वजह से ना, क्योंकि जिस पीरियड के लिए आप अकाउंट बना रहे हो उसी पीरियड का तो आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे, ताकि वो सेल से मैच होकर हमें प्रॉफिट या लॉस बता सके। क्लियर? आइए नेक्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इन द बैलेंस शीट रिजल्ट इन। कंजर्वेशन का मतलब ये कंजर्वेटिज्म कहना चाह रहा है। तो इससे क्या होता है सर? इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट, नो चेंज इन एसेट। तो इसका सी आंसर होगा। ये गलत आंसर लिखा है, याद रखना। जो हमारा कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हमारी एसेट्स की वैल्यूज को कम करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड। गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लॉन वैलिड ना हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब पहले समझ लो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस हैज इनफाइनाइट लाइफ, कि हमारा बिजनेस कभी नहीं डूबेगा, हमारा बिजनेस कभी नहीं डूबेगा, ये चलता रहेगा। सर कब तक चलेगा? अनंत काल तक, इनफाइनाइट तक हमारा बिजनेस चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। और इसी की वजह से तो हम फिक्स एसेट खरीदते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने आज फिक्स एसेट लिया, एक बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ रुपए, मैंने आज उसमें इन्वेस्ट कर दिए। क्लियर है? तो क्या वो 2 करोड़ रुपए कल ही मुझे मिल जाएंगे? सर ऐसे कैसे मिलेंगे? कोई आपसे कहे 10 दिन बाद आपका बिजनेस डूब जाएगा, तो क्या आप उसमें 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए तो करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारा बिजनेस कभी नहीं डूबेगा। अब वो कह रहा है सर इस आशा को खींच लो, मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हटा दो बिजनेस से, तो बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा। चलिए पहला इफेक्ट, ऑल प्रीपेड एसेट वुड बी कंप्लीटली राइट ऑफ इमीडिएटली। सारी प्रीपेड एसेट्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग वुड रिमेन अनचेंज्ड। इनटेंजिबल एसेट वुड कंटिन्यू बी कैरिड आउट एट नेट रियलाइजेबल एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। लैंड हेड एज एन इन्वेस्टमेंट वुड बी वैल्यूड एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। तो सर ये है फिक्स एसेट्स। तो सारी फिक्स एसेट हट जाएंगे और हम उसको किस अमाउंट पे दिखाएंगे? रियलाइजेबल। हम चाहेंगे भाई जल्दी से जल्दी ये बिक जाए, क्योंकि 10 दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, उससे पहले हम इसे बेचना चाहेंगे। तो फिक्स एसेट हम कभी खरीदेंगे ही नहीं। बोलो जी, बात क्लियर? और अगर है भी तो उसे रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाएंगे, ताकि बिजनेस बंद होने से पहले ये सेल हो जाए। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? डी इज द राइट आंसर। चलिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर द शेयर होल्डर ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर द अमाउंट दे पेड ऑन द शेयर दे सब्सक्राइब फॉर। भाई शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन हमें पता है हम मालिक को अलग रखते हैं, कंपनी को अलग रखते हैं, किसकी वजह से? सेपरेट एंटिटी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सेपरेट एंटिटी। देखिए कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, इसका ही दूसरा नाम है बिजनेस एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का मतलब सेम होता है, जो कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। गाइस अब हम ये पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। कहता है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। हाँ ये है, डेट्स इंक्लूड ऑन डेटर्स विच आर डाउटफुल इन नेचर। सर क्या आप प्रोविजन बनाते हैं इस पर? हाँ। क्या आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? हाँ। तो फिर ये कॉन्टिंजेंट कैसे हुआ? तो ये कॉन्टिंजेंट नहीं है, ये बी इज द राइट आंसर। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर कॉन्टिंजेंट है, एरर्स ऑफ क्यूमुलेटिव। तो आप याद कर लो, ये ए बी सी और डी ये तीनों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये तीनों आप लर्न कर लो, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, एरर्स ऑफ क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड। बोलो जी, बात क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट डाउटफुल डेट इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये हमेशा बैलेंस शीट में शो होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्लियर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डेट इंक्लूड इन सन्ड्री डेटर विच आर डाउटफुल। चलिए, the concept of conservatism will have the effect of overstatement, understatement, overstatement of liability,
तो बी इज द राइट आंसर, जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं गाइस कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो हमेशा एसिड्स की वैल्यू को कम करता है. तो अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू को कम करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है भाई. रिकॉर्डिंग एसिड्स फिक्स एसिड एट कॉस्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है गाइस? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम फिक्स एसिड को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट. अकाउंटिंग इज एन डैश, सर ये तो हमारे बचपन से पता है, 11 क्लास से. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्लियर, द ट्रांजेक्शन इन इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. ये बेस्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, जिसमें क्लियर लिखा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर. तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, साइंस नहीं है. चलिए, शुड आई मूव ऑन? तो बी इज गोइंग टू बी व्हाट? द राइट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव. अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ द एंटिटी एक्रूवल मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और दिस. तो मनी मेजरमेंट, इसका पूरा नाम है मनी मेजरमेंट. जो ये कहता है सर, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसों की फॉर्म में होती है. क्लियर है? नॉन फाइनेंशियल, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. किसकी वजह से? मनी मेजरमेंट. आइए नेक्स्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब इसमें बस ट्रू और फॉल्स देना रीजन नहीं. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन दैट बिजनेस इज अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड. द स्टेटमेंट इज ट्रू, यही तो बताया था हमने. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहता है सर बिजनेस चलेगा अनंत काल तक, इनडेफिनेट. तो स्टेटमेंट सही है. फिल इन द ब्लैंक्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एंश्योर प्रम पेमेंट बाय द. तो यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स रह गई, तो बाय द डेटर. भाई कैश डिस्काउंट क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं ताकि जल्दी पेमेंट मिल जाए. एक वर्ड आया प्रम्प्ट, प्रम्प्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी. तो क्यू यू आई. क्विक पेमेंट बाय द डेटर. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. दिस इज बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट. जल्दी बोलिए, प्रूडेंस. आपको आता है अच्छे से, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. इस पर डिटेल में चर्चा हो चुकी है. ठीक है, इज टू बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो क्या चीज है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के थ्रू लिखते हैं? तो सर वो है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती, वो हमेशा कहां आती है? नोट्स टू अकाउंट, फुट नोट में. ठीक है जी, चलिए हो गया. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर. द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन. गाइज अब ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, अगर आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में खर्चों को लिखते हो तो वो कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? मैचिंग, याद रखना, थर्ड टाइम रिपीट हुआ है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? मैचिंग. मैचिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस, खर्चों को डिटर्मिन करना एक अकाउंटिंग पीरियड में कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? मैचिंग की. भाई उस पीरियड में जितने भी खर्चे सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे, पिछले पीरियड के आने वाले पीरियड के रिकॉर्ड नहीं होंगे. तभी तो आप प्रीपेड लेस कर देते हो, क्योंकि वो आने वाले पीरियड का है, और आउटस्टैंडिंग एड कर देते हो, क्योंकि वो उसी पीरियड का है. क्लियर? किस कॉन्सेप्ट की वजह से? मैचिंग. आई होप यहां तक क्लियर है. डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन, हाँ जी, हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं. इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एसिड, नो चेंज. तो सर इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं बना. डिक्रीज इन कैश, भाई क्रेडिटर कब कम होंगे? जब आप उन्हें कैश पे करोगे या उनके पांव पकड़ लोगे, भाई माफ कर दो, पे नहीं कर सकता. यार आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है. तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो आपने उन्हें कैश क्या करा है? पे करा है. ठीक है, तो इससे हमारा कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा. आइए, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल, फिर रिपीट हुआ है, किसकी वजह से? मनी मेजरमेंट.
तो हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते सर? मनी मेजरमेंट की वजह से। जो ये कहता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जो पैसों में नापी जा सकती है, जिनमें पैसा इन्वॉल्व है। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें पैसा नहीं है तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो याद रखना मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट। तो गाइज मैं आपको एमसीक्यूज के साथ उसके पीछे की पूरे रीजन समझा रहा हूं, ताकि आप सिर्फ अगर इन एमसीक्यूज को भी अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ लें तो आप गारंटी आप क्लियर कर जाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इनकम टैक्स ऑफ द सोल प्रोपराइटर इज शोन। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, सोल प्रोपराइटर मतलब अकेला मालिक। और याद रखना हम कहते हैं कि जो इनकम टैक्स वो पे कर रहा है ना, वो उसके बिजनेस का नहीं माना जाता, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। याद रखना इनकम टैक्स अगर सोल प्रोपराइटर मतलब अकेला मालिक पे कर रहा है तो एज पर अकाउंटिंग वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। हम उसे ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। और आपको पता है बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं सर? कैपिटल में से माइनस करते हैं। इसलिए इनकम टैक्स भी कैपिटल में से माइनस होता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स सोल प्रोपराइटर अकेले मालिक का पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट, उसे कम करना उसमें से माइनस करना है तो डेबिट। तो अगर आप कैपिटल को डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसमें से माइनस कर रहे हो। क्लियर? तो ऑप्शन है डेबिट टू पीएनएल, नो। इनकम टैक्स कभी भी पीएनएल में नहीं आता, याद रख लिए। ट्रेडिंग में नहीं आता सर, डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट। हांजी 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 कि वो कैपिटल में क्या होता है? डेबिट होता है। और जब भी कैपिटल डेबिट होगा मतलब डिक्रीज होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। बस यही आएगा पेपर में, आपको बस इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बस ट्रू फॉल बताना है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सही है ये? बोलो सर बिल्कुल सही है। क्यों? इक्वेशन देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो उसको यहीं छोड़ दो, लायबिलिटी को उधर ले जाओ तो माइनस में चली जाएगी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, यहां क्या बचेगा? कैपिटल। बोलो जी बात क्लियर? सर वो भी तो वही कह रहा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए, फिक्स एसेट्स आर कैप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ट्रू। भाई फिक्स एसेट है, बिल्डिंग है, मशीन है, आप क्यों खरीदते हो? ताकि फ्यूचर में कई सालों तक वो हमारी हेल्प करेंगी। तो फिक्स एसेट हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए अपनी बिजनेस में रखी जाती है। तो स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। नेक्स्ट, ओनरशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कॉल्ड कैपिटल। भाई अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसे ही तो कैपिटल बोलते हैं, वो भी तो यही कह रहा है। तो स्टेटमेंट इज अगेंस्ट व्हाट? ट्रू। तो गाइज ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव। चलिए पहला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहता है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नहीं है। पहला, इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस। यस, हम पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता करते हैं। सर बिल्कुल है, पता करते हैं, तभी तो हम अंत में बैलेंस शीट बनाते जो हमें स्ट्रेंथ ही तो बताता है। बेस्ड ऑन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हाँ जी, हम अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मॉनेटरी मतलब पैसा इन्वॉल्व है। क्लियर? रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, हाँ जी बिल्कुल है। कोई भी आप अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन, कोई भी अकाउंट बनाते हो वो आगे चल के ऑडिट होते हैं, तो ये आप अगली स्टेज इंटरमीडिएट पे जानोगे कि ऑडिटिंग क्या होती है। ये भी सही है, रिपोर्ट आर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। सर यही गलत है, वो कह रहा है जी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार रिपोर्ट करते हो, मतलब जो मैनेजमेंट चाहता है वही आप अकाउंटिंग में दिखाते हो। नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, तभी तो हम कहते हैं अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड। क्लियर? एक अकाउंटेंट को किसी के प्रभाव में आके अकाउंट नहीं बनाने। बोलो बात क्लियर है? उसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी है। तो मैनेजमेंट जो चाहे वो नहीं दिखाना, जो एक्चुअल में आपके बिजनेस की पोजीशन है आपको वही दिखानी है। क्लियर है? तो रिपोर्ट्स आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। सर यही अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक नहीं है और यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि उसने पूछा है बताओ इनमें से कौन सी हमारी करेक्टरिस्टिक नहीं होती है। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, बताना आपको इसमें से कौन सी सही है। सिर्फ अकाउंट इक्वेशन, ओनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, भूलना नहीं, ओनर इक्विटी का मतलब क्या होता है गाइस, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है, ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। सर ये सही है, लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस एसेट, बिल्कुल गलत है। एसेट इज इक्वल टू ओनर इक्विटी माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल गलत। तो बी इज द राइट आंसर, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं, सीधी सी अकाउंट इक्वेशन है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, फिक्स एसिड एंड करंट एसिड आर कैटेगराइज एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। याद रखना ये एग्जाम्पल भी होती है, गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस कभी नहीं डूबेगा, इसी वजह से हम एसिड्स के दो टुकड़े करते हैं, फिक्स एसिड करंट एसिड, लाइबिलिटीज के दो टुकड़े करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बोलो जी बात क्लियर है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही फिक्स एसिड और करंट एसिड दो पार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, प्लीज याद रखना इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फोर ऑप्शंस। चलिए पहला, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल। सर अभी पांचवी बार रिपीट हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल का मतलब जिसमें पैसे इन्वॉल्व ना हो, ये किसकी वजह से होता है, मनी मेजरमेंट। तो डी इज द राइट आंसर, तो मनी मेजरमेंट की वजह से हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते विच डज नॉट इन्वॉल्व मनी। ठीक है जी, आइए ट्रू फॉल बताना है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। सही है सर, यही तो डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, दिस इज द डेफिनेशन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। विंडो ड्रेसिंग, अब देखो एक शब्द है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब खिड़की को सजाना नहीं है, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, क्लियर है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाना, सेल को बढ़ा देना, खर्चों को कम कर देना ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो और उसकी वजह से कस्टमर हमारे पास, इन्वेस्टर हमारे पास आए, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो अगर मैं वन लाइन में बोलूं तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है गाइस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। और इस तरह से मैनिपुलेट करना, इस तरह से अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना कि हमारा प्रॉफिट हाई हो जाए, जबकि एक्चुअल में नहीं है, बस जबरदस्ती हमने दिखा दिया कि इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आए और वो देखे अरे इतना ज्यादा प्रॉफिट है मैं यहीं पैसा लगाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो पढ़िए, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग मीन्स शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। ट्रू, इट इज जनरली अज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन नियर फ्यूरसेबल फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये फॉल्स है, इसकी हिंदी में बता दूं, कहता है इट इज जनरली अज्यूम दैट, हम आमतौर पर ये मानते हैं कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस नहीं डूबेगा, लिक्विडेट का मतलब डूबना, विल नॉट लिक्विडेट नहीं डूबेगा इन फ्यूचर, ये कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये थोड़ी कहता है सर, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है, क्लियर। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस हमेशा चलेगा अनंत काल तक, बिजनेस अमर है कभी नहीं डूबेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा, गोइंग कंसर्न। और जिसकी वजह से अभी बताया था मैंने, एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते, फिक्स एसिड करंट एसिड, लायबिलिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्लियर। तो इसलिए फॉल्स है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, अगेन फॉल्स। कहता है ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है, नहीं सर, वो डिस्काउंट जो जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाए वो कैश डिस्काउंट होता है, क्लियर। समझ में आ रहा है एमसीक्यूज, आइए नेक्स्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। द वैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर द प्रोसीजर फॉलो एज पर। सर ये तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। बताइए कौन सी ऑप्शन है, सर डी है, डी इज द राइट आंसर। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। When income recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, the system is termed as. अब देखिए गाइस, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं। हमारे पास अकाउंटिंग के तीन तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है accrual basis और एक होता है हाइब्रिड बेसिस। अब ये तीनों क्या होते हैं सुनना।
कैश बेसिस ये कहता है कि आप किसी आइटम को अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअल में कैश आ जाएगा या एक्चुअल में कैश चला जाएगा, चाहे वो किसी भी साल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एक्चुअल में कैश आए और एक्चुअल में कैश जाए अगर इस आधार पर रिकॉर्ड करें तो उसे हम बोलते हैं कैश बेसिस, ठीक है। दूसरा होता है एक्रूवल बेसिस, या फिर हम उसे बोलते हैं मर्केंटाइल बेसिस, जो ये कहता है कि आप एक आइटम को तब रिकॉर्ड करो जब वो उस पीरियड की हो जिसके लिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं। एक्चुअल में कैश आए या जाए ये मत देखना। बोलो जी, बात क्लियर है? मतलब आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो अगर वो करंट ईयर का है, चाहे आपने उसे कैश में पे करा हो या ना पे करो। आप इनकम को रिकॉर्ड कर लो अगर वो करंट ईयर की है, चाहे उसके बदले आपको एक्चुअल में कैश आया हो या ना आया हो। इसे बोलते हैं हम कौन सा? एक्रूवल या मर्केंटाइल। तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, इसमें कैश और एक्रूवल दोनों मिक्स है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें इनकम्स को तो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है और खर्चों को एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। बोलो, बात क्लियर है? हाइब्रिड में होता क्या है, इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअल में कैश आ जाए और खर्चों को एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं चाहे कैश पे हो या ना हो। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं हाइब्रिड बेसिस। क्लियर? अब देखो वो क्या कह रहा है। When income are recognized, मतलब record on cash basis and expenditure on accrual basis, the system termed as hybrid. तो ये cash और accrual का mix हो गया ना, तो that is called hybrid. Accrual no, cash no, mercantile no, hybrid. तो D is going to be the right answer. तो please याद रखना इस बात को, तीन basis of accounting होते हैं, cash, accrual, इसका दूसरा नाम mercantile और तीसरा hybrid basis. I hope you understand me. Please focus. चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रेजेंट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कॉस्ट गोइंग कंसर्न पीरियोडिसिटी। अब जरा सर ये क्या होता है सुन लीजिए। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जो बिजनेस है उसकी लाइफ तो अनंत काल तक है, पर अब कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बिजनेस की लाइफ है अनंत काल, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, उन्हें छोटे छोटे पीरियड में तोड़ देते हैं। क्लियर है? और एक पीरियड एक साल का होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये किसकी वजह से होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, या इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ को एक एक साल के पीरियड में तोड़ देते हैं। तभी तो हम हर साल पता करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है गाइस, तो डी इज द राइट आंसर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने नटशेल में शॉर्ट में बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कहता है इसमें से कोई एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पहला, गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कीप रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एनालाइज रिकॉर्ड एसेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ए इज द राइट आंसर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बाकी ये तीनों अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहता अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ, तो डी इज द राइट आंसर, क्लोजिंग एंट्री। आपको पता होगा अकाउंटिंग साइकिल मतलब कहां से शुरू होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड देन क्लोजिंग एंट्रीज। तो सबसे अंत में क्या होता है गाइस, क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब फिर से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ओनरशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल, ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू है, बिल्कुल, टोटली ट्रू। ओनरशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, भाई ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में लगाए गए पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर एंटिटी कॉज कंजर्वेटिज्म। भाई सारे प्रोविजन किसकी वजह से बनते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बट ध्यान रहा है क्रेडिटर वाला छोड़कर। क्लियर? क्योंकि सारे प्रोविजन लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि क्रेडिटर पे प्रोविजन प्रॉफिट होता है, जो आप कंजर्वेटिज्म की वजह से नहीं करते। ठीक है, आइए
विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो बताना एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ट्रेडिंग में, पीएनएल में? नहीं सर, बैलेंस शीट में। तो सी इज द राइट आंसर। कम ऑन गाइस, प्लीज फोकस। ठीक है जी, सो सी इज गोइंग टू बी व्हाट द राइट आंसर। अब कहता है फिर से बताओ ट्रू फॉल्स। गाइस पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए। इट इज जर्नली अज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट, मतलब विल नॉट फिनिश, विल नॉट एंड, लिक्विडेट मतलब समाप्त होना। कहता हम ये मानते हैं कि बिजनेस खत्म नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर अभी तो डिस्कस किया था फॉल्स है, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बोलो जी बात क्लियर है? तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस कभी नहीं डूबेगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाइए गाइस। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ओनली डैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, आंसर इज फाइनेंशियल। हम इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसा होता है। इट इज जनरली अज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये आपके लिए हमने फिल कर रखा ऑलरेडी, बट आई विल एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ व्हाट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी। जो कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है, इसी वजह से कैपिटल जो बिजनेसमैन का पैसा है उसे हम अपने ऊपर लायबिलिटी मानते हैं। क्लियर? गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है। विंडो ड्रेसिंग, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं गाइस। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट दिखाना। तो विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग मींस शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ पा रहा है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉर, हाँ आप ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, बाकी छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए नहीं। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे इंटरमीडिएट में, जहां पर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी करने हैं ऑलमोस्ट। इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन, हाँ जी, जर्नल एंट्रीज में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। वो क्या होता है? सिस्टमैटिकली, डेट वाइज। तो जर्नल एंट्रीज में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर? प्लीज शब्दों का पे ध्यान रखना। तो फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिकली। क्या मतलब होता है? डेट वाइज। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेट विच इज नॉट रिकवरेबल और रियलाइजेबल इज कॉल्ड बैड डेट। सर वो पैसा जो डूब गया फ्यूचर में नहीं मिलेगा उसे बैड डेट कहते हैं। वो कितना आसान है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है जी, सेल में से आपने कॉस्ट माइनस कर दी, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीपी। ये तो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, सेल माइनस COGS इज ऑलवेज इक्वल टू जीपी। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक इज ट्रीटेड एन एसेट्स, लाइव स्टॉक हमारी एसेट्स होता है। अब सर ये लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है जी, कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर हमें पशुओं की जरूरत होती है, जैसे डेयरी फार्मिंग है। तो भाई डेयरी का जो बिजनेस है दूध वगैरह का, हमें पता है दूध हमें कहां से मिलता है, गायों से, भैंसों से, तो ये सब क्या है? कैटल्स है। क्लियर है? तो दे आर बेसिकली कॉल्ड लाइव स्टॉक। क्या? लाइव स्टॉक। और ये हमारी एसिड्स होती है, कौन सी? करंट या फिक्स्ड? फिक्स्ड एसिड, भूलना नहीं। तो लाइव स्टॉक और ऑलवेज मींस व्हाट? फिक्स्ड एसिड एंड इट इंक्लूड व्हाट्स? कैटल्स। क्लियर? चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। भाई जर्नल तो हमारी बुक्स है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं एंट्री। एंट्री करना मतलब रिकॉर्ड करना, जैसे आप बोलते हो अरे भाई रजिस्टर में मेरा नाम की एंट्री कर दो, तो मतलब आप रजिस्टर में अपना नाम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एंट्री। तो इसी से कॉन्सेप्ट क्या बन गया? जर्नल एंट्री। बोलिए कितना आसान है। नेक्स्ट, एक्सपेंस अकाउंट विल हैव ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सर एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, लॉसेस का डेबिट होता है, इनकम प्रॉफिट का क्रेडिट होता है। बेसिक अकाउंटिंग है ये। क्लियर? तो एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव व्हाट? डेबिट बैलेंस। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन। आप जर्नल एंट्री के बाद नीचे लिखते हो
आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आप नीचे लिखते हो बीइंग गुड सोल्ड, क्लियर। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन वर्ड निकला है नरेट से, इसका मतलब होता है कहना, बताना, एक्सप्लेन करना, क्लियर। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स विल रिजल्ट इन डैश इन द ओनर्स कैपिटल। हाँ जी, ड्रॉइंग्स को आप कहां शो करते हो सर? बैलेंस शीट में। कैपिटल में ऐड या लेस? सर लेस करते हैं, तो लेस होने से कैपिटल क्या होता है? कम हो जाता है। तो ड्रॉइंग्स हमेशा हमारे कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस कर देती है। अ डेटर इज अ पर्सन हु डैश मनी ओस टू द बिजनेस। डेटर वो व्यक्ति है जिसको पैसा देना है, और वो पैसा किसको देगा? बिजनेस को। दूसरे शब्दों में डेटर वो व्यक्ति है जिससे बिजनेस को पैसा लेना है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स। देखिए कितना आसान है, प्लीज फोकस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रू। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सर ये तो डेफिनेशन था, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फॉल्स। क्यों सर, क्यों सर? भैया कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन होती है, कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी इज अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, नॉट द कॉन्सेप्ट, क्लियर। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फॉल्स। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आती हैं, और मॉनेटरी का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, किसकी वजह से? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्लियर। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ज्वाइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फॉल्स। सर ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट मतलब मिलकर, वेंचर मतलब बिजनेस। तो ज्वाइंट वेंचर में दो लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस अचीव होता है हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, हमारा वेंचर खत्म हो जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या कहता है? बिजनेस हमेशा चलेगा अनंत काल तक, बट ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप जो थोड़े समय के लिए बनाई जाती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। सर जो चीज खत्म हो जाए वो गोइंग कंसर्न कैसे फॉलो कर सकता है? क्लियर है? तो ज्वाइंट वेंचर कौन सा फॉलो नहीं करता? गोइंग कंसर्न। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, टेल मी सर ट्रू है? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग का पार्टी तो है। डबल एंट्री प्रिंसिपल मींस राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, टोटली रॉन्ग। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? एक एंट्री को दो बार लिखना? नहीं सर, एक एंट्री को दो कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री। चलिए, क्रेडिट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, ट्रू। भाई एसेट्स का नेचर डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, बढ़ाना हो तो क्रेडिट। बोलो जी बात क्लियर? तो कह रहा है क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना, 100% सही है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गाइस ध्यान से सुने, फिक्टिशियस का मतलब होता है लॉसेस, वैल्यूलेस। एक ऐसी एसेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जबकि गुडविल की तो वैल्यू होती है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसलिए गुडविल कभी भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो फिर क्या है सर? तो गुडविल ना एक इनटेंजिबल एसेट से, फ्यूचर में याद रखना, और वो भी कौन सी, करंट या फिक्स्ड? फिक्स्ड एसेट से, तो प्लीज डोंट फॉरगेट। तो व्हाट इज गुडविल? एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और इनटेंजिबल वो एसेट्स होती है जिसका कोई शेप, कोई साइज, कोई कलर नहीं होता, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको ना देख सकते ना छू सकते हैं, जिसका कोई शेप, कोई साइज, कोई कलर नहीं होता, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल, क्लियर। तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट से, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब होता है वैल्यूलेस या लॉसेस। चलिए नेक्स्ट, तो ये फॉल्स है। रिटर्न इनवर्ड्स इंप्लॉयज परचेज रिटर्न, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, मिलेगा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब बिका हुआ माल वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न को बोलते हैं आउटवर्ड। इनवर्ड सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड परचेज रिटर्न। वो कह रहा है रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, सर ये गलत है, फॉल्स है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ट्रू। कैपिटल हमारे बिजनेस की हमेशा लायबिलिटी है। कौन सी? इंटरनल। किसकी वजह से?
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहता है कि कैपिटल इज ऑलवेज व्हाट, अ लायबिलिटी, एंड दैट टू इंटरनल लायबिलिटी। आइए भाई, मैच द फॉलोइंग। अब इन फॉलोइंग को हमें मैच करना है, डेटर एसेट्स एक्सपेंस एन इंक्रीज इन एसेट एन इंक्रीज इन लायबिलिटी फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट फिक्टिशियस एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी टोटलिंग ऑफ अमाउंट। इसको मैच करना है इससे, गुडविल नॉमिनल अकाउंट डिबेंचर प्लांट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट रियल अकाउंट क्रेडिटर कास्टिंग और पर्सनल अकाउंट। चलिए पढ़िए डेटर्स, अब ध्यान से सुनिएगा। इस डेटर क्या है, गुडविल नहीं, नॉमिनल नहीं, डिबेंचर नहीं, प्लांट नहीं, डेबिट नहीं, रियल नहीं, क्रेडिट नहीं, ठीक है जी। तो डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो डेटर किससे मैच होगा, जे से, तो दैट इज द मैचिंग। तो डेटर इज व्हाट, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेटर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एसेट्स, हाँ जी एसेट्स क्या होती है, ध्यान से देखिए, गुडविल नॉमिनल अकाउंट डिबेंचर प्लांट, तो एसेट्स का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, तो जी। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट बी। एन इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, एफ, ठीक है। एन इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बोलो कहां लिखा है, ये रहा एच। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट कौन सी है इनमें से, ढूंढिए भाई, तो प्लांट एंड मशीनरी, डी इज द राइट आंसर। इंटेंजिबल एसेट गुडविल, ए इज द राइट आंसर। फिक्टिशियस एसेट मतलब लॉसेस, तो ढूंढिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे लॉस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, भैया कंपनी बनाने के जो खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये हमारा लॉस है, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। टोटलिंग ऑफ एन अमाउंट, इसको बोलते हैं कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है एक अमाउंट को क्या करना, टोटल करना। तो दीज आर द मैच द कॉलम्स, कितना सिंपल है, बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी।